तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह, एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में। गाइस, आज अपना माता पिता संग धाम की रथ यात्रा का 18वां दिन आरंभ हो गया, ठीक है। और अभी हम लोग हैं द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी में, ठीक है। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे समुद्र, और समुद्र में उठा हुआ ये ढेर लहर पान, ओ भाई औसम। अभी सुबह सुबह घूमने के लिए आए इधर में। बाकी कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए थे, मतलब 8 बजे तक हम लोग स्टेशन पर उतर गए थे द्वारका। उसके बाद स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लिए, ठीक है, 20 रुपये करके लिया, 3% 50 रुपये लिया, हम लोगों को मंदिर के सामने उतार दिया। वहाँ पर उतरने के बाद हम लोग सबसे पहले कमरा ले लिए, ठीक है। बहुत सारा धर्मशाला होटल आपको मिल जाएगा, 400, 500, 600, 1000 कमरा मिल जाएगा। उसके बाद कमरा लेकर के बैग उग रख करके स्नान ध्यान करके हम लोग चले गए, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट की फरारी से, ठीक है। बुलेट की फरारी से हम लोग चले गए वहाँ पर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, नागेश्वर महादेव के, ठीक है। तो 30 रुपये करके पर पर्सन लिया। वो बुलेट है, उसमें छकड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको ओपन है, खुला है, और उसमें बैठ करके जाने के लिए, ठीक है, 8-10 लोग बैठ जाते हैं। तो 30 रुपये करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना और 30 रुपया आना, ठीक है। 12-13 किलोमीटर है यहाँ से द्वारकाधीश से नागेश्वर, वो दर्शन किए। उसके बाद फिर शाम को द्वारकाधीश के दर्शन किए, और उसके बाद शाम को यहाँ पर प्रसाद, द्वारकाधीश का जो मंदिर है, मंदिर की तरफ से भोजनालय है, तो वहाँ पर 30 रुपये का कूपन कटता, वहाँ पर प्रसाद आदि पाएँ। और इस तरह से कल का दिन हम लोगों का संपन्न हुआ द्वारका में, ठीक है। अभी सुबह सुबह घूमने के लिए आए इधर में बीच साइड, ठीक है, मस्त औसम फीलिंग भाई, समुद्र किनारे आकर के जो फील होता है ना भाई, औसम, बयां नहीं किया जा सकता, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा। बाकी आज हम लोग होटल चेकआउट कर देंगे, 8 बजे होटल चेकआउट करेंगे, और हम लोगों का ट्रेन है रात को 8:30 बजे, तो होटल का जो चेकआउट टाइम है हम लोगों का 8 बजे है, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद माँ पापा के साथ समुद्र किनारे आएंगे इधर में होटल चेकआउट करके, ठीक है। और माँ पापा पहले कभी समुद्र सामने से नहीं देखे हैं, ठीक है, तो एक अलग ही फील होगा माँ पापा के लिए, एक अलग एक्साइटमेंट रहेगा कि भाई समुद्र को सामने से देखना, नज़दीक से देखना, है ना, समुद्र किनारे इस तरह से सामने आना, ओ भाई, समुद्र की लहरों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती करना, खेलना हल्का फुल्का, ज़्यादा दूर तक रिस्की हो जाता है ना। तो उसके बाद सारा दिन इधर ही आज एक्सपेंड करेंगे, समुद्र किनारे, माँ पापा, हम। तो उसके बाद दोपहर के बाद शाम तक जाएंगे स्टेशन पे, तो सही है। अभी चलते हैं कमरे पे, तो उसके बाद कमरे पे चल करके कमरा चेकआउट करेंगे। तो गाइस, ये देख लो भाई, ओ भाई औसम, ये है समुद्र की लहरें, देख लो यहाँ तक पानी आ गई, आ गई ना पानी, और देखो, ओ भाई औसम, सही है। ये बीच साइड है, ठीक है, बालू है इधर में, रेत रेत ऊपर में सब टिल्ला रखा हुआ है। बाकी यहाँ से अभी हम लोग ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे दूर दूर तक पानी ही पानी है, समुंदर ही समुंदर है, हरे भाई, और सनशाइन, निकलता हुआ सूरज, औसम। ये आप सनशाइन देख पा रहे हैं, ठीक है, सुबह के नज़ारे, ओहो औसम भी भाई। तो गाइस, अभी होटल पे आ गए हैं, ठीक है, और अभी इधर में पापा हैं, इधर में माँ है, ठीक है, और ये अपना लगेज है। और अभी हम लोग कमरे चेकआउट कर चुके हैं, ठीक है, 8 बज रहे हैं, और 8 बजे अपना चेकआउट टाइम था, तो कमरे चेकआउट कर लिए हैं। और यहाँ पर नाश्ता में पोहा है, सिंघाड़ा है, ढोकला है, ये सब है। गाइस, अभी हम लोग द्वारकाधीश के मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ गए, ठीक है, ये आप शिखर दर्शन कर पा रहे हो, और अपना द्वारकाधीश का लहराता हुआ पताका, ठीक है। बाकी ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये जूता चप्पल और बैग और मोबाइल फ़ोन का लॉकर है, स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर आप जूता चप्पल रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन लॉकर में जमा कर सकते हैं, लगेज रख सकते हैं, यहाँ पर माँ पापा बैठे हुए, ठीक है। और इधर से आपका ये
मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग है, ठीक है, आगे जाकर के अभी मम्मी पापा दर्शन करेंगे। आप मंदिर में जब जाएं तो भगवान द्वारकाधीश के लिए फूल प्रसाद ये सब लेते जाना, ये भाई बोल रहे प्रसाद लेते जाना, ये सब लेकर के जाना है, ठीक है, द्वारकाधीश के लिए। लाइक चैनल को सब्सक्राइब ये सब कर देना, इधर में लस्सी है, सही है, राधे राधे। तो इधर का आप पूरा व्यू देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है एंट्रेंस पॉइंट, ठीक है, अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर में द्वार खुलेगी, ठीक है, ये भी है और आगे से भी है। बाकी मोबाइल फ़ोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है अंदर में, तो जहाँ तक अलाउ है वहाँ तक का आप लोगों को व्यू दर्शन करा देते हैं, ठीक है। ये सामने जो गेट है यहाँ से अंदर जाते हैं और अंदर जा कर के द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं लोग लाइन में लगे हुए हैं, श्रद्धालु भक्तगण। अभी हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर में, माता पिता जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु भक्तगण दर्शनार्थी लाइन में खड़े, और ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और ये इधर का आप व्यू देख पा रहे हैं, प्रसाद वगैरह इधर में, ठीक है। अभी हम लोग द्वारकाधीश के मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ गए, ठीक है, और अभी यहाँ पर दान देने जा रहे हैं, ठीक है, महाराज लोग को, ठीक है। तो ये आप दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकाधीश के मंदिर के, हरी, और इधर में है भोजनालय प्रसाद। 6:30 से 10 बजे तक रात को, और सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक, ठीक है। श्री महालक्ष्मी माता जी, श्री गोमती माता जी, हरी वे। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं सुदामा ब्रिज, ठीक है, और ये नीचे में सी पॉइंट, इधर में नीचे में बोटिंग है, बोटिंग के लिए है नाव, इधर में माँ आ गए, उधर आगे चलते हैं बीच साइड। यूट्यूबर यूट्यूबर, तो ये आप देख पा रहे हैं ये सब बीच साइड है, ठीक है। अगर नाव में बोटिंग वोटिंग करना हो तो यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। आओ आओ, ये देख लो भैया ऊँट की सवारी पानी में, देख लो, हाँ ऊँट तो कहीं भी चल जाए, ऊँट की सवारी पानी में देख लो। गाइस अभी हम लोग आ गए बीच साइड, ठीक है, इधर में आप देख पा रहे बोटिंग के लिए है, बोटिंग है इधर में भी है, बाकी कैमल भी कर सकते हैं आप, कैमल राइड कर सकते हैं, उधर में कैमल है, ऊँट है, इधर में भी ऊँट, ठीक है। और इधर में माँ प्रणाम कर रही है सूर्यदेव को, समुद्र में खड़े होकर के, सही है, मस्त है, पानी ठंडा ठंडा पानी है इधर का। और देखो भैया भी चप्पल पहन के गल पाए, और देखो वो चप्पल पहन के गल पाए, गंगा जी थोड़े है, हाँ बोल रही चप्पल पहन के चल आए, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी में समुंदर के पानी है, ठीक है। होने पर अभी ऐसे बा होने पर पूरा लहर मारेगा, लहर फेंक देगा वो साइड मंदिर को तरफ। तो गाइस जी आप देख पा रहे दुर्वासा कुंड, ठीक है, हरी बोल, दुर्वासा कुंड है ये नाम कर लो। तो गाइस द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए, ठीक है, बाकी अभी बीच साइड से भी थोड़ा बहुत घूम करके आ गए, माँ को घुमा दिए, बाकी अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो अभी यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, माँ उधर बैठी, पापा बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ा यहाँ पे बैठे हुए ठंडा छाँव है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर। फिर हम लोग आ गए भोजन प्रसाद के लिए, ठीक है, इधर में पीने का पानी है, मशीन लगा हुआ है, और ये कार्यालय ऑफिस है, यहाँ पर 30 रुपये का कूपन लेना पड़ता है, ठीक है, भोजन प्रसाद के लिए। तो पापा आ रहे हैं, उसके बाद फिर अभी हम लोग चलेंगे भोजन प्रसाद पाने के लिए। गाइस अभी यहाँ से कूपन कटा लिए, ठीक है, 3 कूपन है, एक मेरा, एक पापा का, एक मम्मा का, ठीक है, तो 3 कूपन कटा लिए, 90 रुपये पड़ा 30 रुपये का कूपन। बाकी पापा उधर अभी हाथ मुँह धो रहे हैं, तो उसके बाद बोतल में पानी ले लेंगे, यहाँ पर बोतल है, ठीक है, पानी ले लेंगे, उसके बाद ऊपर चलेंगे भोजन प्रसाद के लिए, ठीक है। चार
दे दिए चावल, हाँ चावल, चावल साइड में। अभी कड़ी किस में दो, कड़ी है ना, चलो यार ठीक ठीक है ठीक है। भाई लोग हैं, ये पूरा भोजनालय है और माँ उधर में बैठी है, ठीक है। अरे तो गाइस ये अभी दोपहर का भोजन प्रसाद हो रहा, ठीक है। राइस है, चना आलू का सब्जी है, रोटी है, और ये ढोकला है, दाल है, और क्या ये सादा सादा हलवा है ना, क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। भोजन आरंभ करते हैं गाइस, अभी यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, बैठने के लिए सिटिंग एरिया, ठीक है। और सामने समुद्र है और पीछे द्वारकाधीश का मंदिर है, ठीक है। और हालांकि धूप बहुत तेज़ है लेकिन ऊपर छत है, तो साधु संतों का बैठने का ये प्रांगण है, यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। और यहाँ पर फल प्रसाद पा रहे, केला, हरी बोल। तो गाइस अपना फ्रूट कट हो चुका है, ठीक है। खरबूजा इधर पापा खा रहे हैं और इधर में माँ, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हरी कुंड, ठीक है। ये सामने कुंड है और उसके पीछे समुंदर है, और ये प्रांगण है साधु संतों के विश्राम का। हरी बोल। तो मिल लेते हैं एक फ्रूट। हरी बोल। तो गाइस खरबूजा अभी खा रहे, ठीक है। अरे ठीक है, ढेर फलाहार, दो गो बचल भाई, पंखा लिए छोटी छोटी, दो गो है और का, ठीक है। हम तो खाइए जाएंगे, दो गोरा, तीन गोरा, चार गोरा, हम तो एक का गो गोटा गोटा खरबूजा खा जाते हैं यात्रा में, तीन गो टुकड़ा बहुत। अभी बीच साइड पे, ठीक है। और इधर में मुझे ये मिला, एक तो कौड़ी मिली है, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे शंख मिले। ये वाली कौड़ी है, जय बोले भैया, ये कौड़ी है, ठीक है, ये कौड़ी है और बाकी छोटे छोटे शंख मिले, ठीक है। बीच साइड पे ऐसे किनारे पे रेती में, सही है, बढ़िया है। बाकी अभी ऐसे ही घूम रहे इधर में, थोड़ा संभल संभल के पैर रखना पड़ेगा नीचे देख देख करके, क्योंकि पत्थर है और इधर उधर पैर पड़ेगा तो गिर जाएंगे, ठीक है। क्या आप देख पा रहे समुद्र की ढेव लहरें, और धूप बहुत ज़्यादा थी तो माँ पापा उधर से, मतलब दूसरे घाट से उधर से घूम करके जाके उधर बैठ गए, ठीक है। बोले कि नहीं इधर में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, देख करके फिर जाके बैठ गए, ठीक है। माँ पापा का उम्र भी हो गया है तो ज़्यादा धूप ऊप में समुंदर किनारे आकर के सोचे आदमी मस्ती की जगह, और फिर वो मुश्किल हो जाएगा, तबियत तबियत बिगड़ गया था। इससे अच्छा है कि दर्शन वर्शन कर लिए हैं, अपना आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मंदिर के पास में ही, ठीक है। और हम आ गए इधर समुद्र की लहरों में कुछ कुछ खोजने के लिए, ठीक है। मुझसे ये सब मिल गया है, कौड़ी, सही है। बाकी बहुत मज़े हैं, ये सब जगह पर है, दो चार लोग आए, ठीक है, फ्रेंड फ्रेंड या फिर फैमिली के साथ में, बहुत मज़े है, ठीक है। समुद्र किनारे आओ, बीच साइड पे आओ, नहाओ, मज़े करो, इन्जॉय करो, है कि नहीं। और रे बाबा रे देव, तो चलते अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, वहाँ से सीढ़ी है। इसका फोटो ले लो। हाँ उसका फोटो आ गया, दिखा दे इसको, फोटो दिखा दे इसका, आ गया वीडियो आ गया। गाइस अभी हम लोग ऑटो स्टैंड पे आ गए, ठीक है। माँ पापा ऑटो में बैठ भी गए हैं, ठीक है, उधर माँ है, पापा भी बैठे हुए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से रेलवे स्टेशन, ठीक है। अभी करीब 6 बज रहे हैं, हम लोग का ट्रेन 8:30 बजे, तो ठीक है, सारा दिन तो मंदिर परिसर में ही बिताए, चल तो बैठते ऑटो में, बैठिए ठीक है। तो गाइस अभी पहुँच गए द्वारका रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये आप देख पा रहे इधर में लिखा हुआ है द्वारका, इधर में सामने माँ है, पापा, और ये अपना लगेज है, ठीक है।
अरे बोल चलते हैं अंदर, अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है। तो गाइस ये आप देख पा रहे पश्चिमी रेलवे द्वारका रेलवे स्टेशन, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है, ठीक है, एक और दो, दो ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, पंखे चल रहे हैं और यहाँ पर माँ बैठ करके प्राणायाम या अनुलोम विलोम कर रही है, ठीक है। इधर में पापा बैठे हुए और अपना लगेज भी रखा हुआ है, ठीक है। पंखा बता दें, यहाँ से पंखा का स्विच है। तो गाइस अभी द्वारका रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़े हैं, ठीक है। इधर माँ बैठी, उधर पापा बैठे हुए, इधर अपना लगेज रखा हुआ, ठीक है। और 10-15 मिनट का इंतज़ार है, उसके बाद अपनी ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। और ट्रेन हम लोग द्वारका से पकड़ रहे सोमनाथ, कल सुबह सोमनाथ पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये अपनी ट्रेन आ गई, ठीक है, सीट पे बैठ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों का जो सीट है एक दो और चार, ठीक है, लोअर बर्थ है, एक इधर लोअर बर्थ है और एक अपोजिट में, मतलब सामने में लोअर बर्थ है और एक मिडिल सीट है, ठीक है। तो सीट पे बैठ गए, इधर माँ उधर पापा है और अभी हल्का कुछ देखते हैं, खाने पीने में कुछ लेते हैं और उसके बाद फिर सो जाएंगे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग बाकी है तो थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करके फिर सो जाएंगे। तो आज के इस दिन को, इस सफ़र को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड कल फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह, एक नए सफर में। और भैया जी ने हमको हेल्प करके ऊपर वाला सीट लेके मिडिल वाला दे दिया है, भैया हेल्पिंग भैया जी का, ये भैया को मिडिल वाला सीट चाहिए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अपर सीट हम ले लेंगे, माँ पापा तो लोअर सीट पे बैठेंगे, भैया को मिडिल सीट चाहिए था, चलो नहीं ले लेंगे। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।